तू यहाँ क्या कर रहा है? ए राव साहब, ये बहुत बदतमीज इंसान है, इसे चेयर पर नहीं नीचे बिठाओ। अभी तो इस बेचारे को नीचे जमीन से चेयर पर बिठाया है। ए तू कोर्ट में मिल, मैं तुझे वही देखता हूँ। एक दिन तुझे अकेला क्या छोड़ा, दुनिया भर का झमेला पाल लिया। ए अंदर पैसों का क्या खेल था? रिश्वत, वरना तू यहीं बंद रहता। हाय, जस्ट 100 रुपीज के लिए बस में जाकर, पर्स गवाकर, रोड में फंसकर, पुलिस स्टेशन तक जाकर 5,000 रुपए भी गवाए और पूरा दिन भी बर्बाद किया। मजा आया? ए, रुक यार, ये तेरी फ्रेंड है? नहीं है। अच्छा, तुम तो मेरे फ्रेंड बन सकते हो। हाँ हाँ, एनी टाइम। तू इस तरफ आ ले। मैं हूँ अभी तक ब्रह्मचारी, मेरा नाम है रामाचारी। आई एम इंदुमती। क्या मती? इंदुमती। इंदु मींस मून, मती मींस ब्रेन। अब समझ गया। तुम्हारी कोई बहन है क्या? हाँ, दो हैं, चंद्रमती चारुमती। तुम्हारे पिता रघुमती। हेलो, क्या हुआ? वो रघुपति है। इस हिसाब से तो तुम्हारी माँ जरूर भानुमती होगी। बचपन से इंटेलिजेंट हो। तुम्हारा पति जरूर प्रजापति होगा जो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। मारूंगी तुम्हें। मारो। माफ किया। गुस्से में इसकी गाल कैसे लाल हो गया देखो। बाय दोस्त, कल कोर्ट में मिलते हैं। ठीक है ठीक है, टेक केयर। बाय बेबी बाय। तू जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं ना, जैसे ही लड़की देखी दोस्त को भूल गया। भैया दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, फिर हम पीछे क्यों रहे? वक्त के साथ चलते तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। लड़का लड़की पहले दिन मिलते हैं, दूसरे दिन बातचीत करते हैं, तीसरे दिन कॉफी के लिए सीसीडी में जाते हैं, फिर कहीं पार्क या रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार की बातें करते हैं। आजकल यही सब होता है यार। तूने उसे पेट नेम दे दिया? हर लड़की को अपना पेट नेम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तू ये नहीं समझेगा। मुझे तो नहीं दिया। तू फ्रॉक पहन कर घूमने वाला कोई आइटम है क्या? और उस लड़की ने तुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, सो यू फीलिंग जेलस? जेलस? वैसे वो कल कोर्ट में क्यों आ रही है? ये अच्छा सवाल पूछा, लेकिन जवाब मुझे नहीं मालूम। जज से बात कर रहे हैं। हाँ। वो मान गए तो समझो सब कुछ ओके। सुपर यार। यार ये बहुत गलत कर रही है। क्या वो बाद में देखेंगे? मैं नहीं आऊंगा। तो यही रहो। अरे सुन तो। मैंने कहा था ना मांस, मामला कितनी आसानी से निपट गया। तुम महान हो यार, खिलाड़ी हो। अरे सब सेट हो गया है, का एजेंट सिग्नल करेगा, तब जज फॉर्मेलिटी के लिए तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, तब तुम हाँ जी करके अपना सर हिला देना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है के सामने हाँ हाँ ही बोलना, कोई गड़बड़ ना हो। केस नंबर 1117/2013, अरविंद शिवशंकर। अरविंद शिवशंकर, कोर्ट में हाजिर हो। अरविंद शिवशंकर सर। सिग्नल तोड़ा था क्या तुमने? नहीं सर। तुम पहली बार कोर्ट में आए हो क्या? बहुत सोच समझ कर जवाब दो, तुमने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी क्या? नहीं सर। ये क्या बकवास कर रहा है, समझाया था कि नहीं? समझाया था यार, इसे सच कहने की बीमारी है। मैंने कोई गलती नहीं की सर, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था, वो साहब ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता सर। एक्चुअली उस वक्त सिग्नल काम नहीं कर रहा था, ट्रैफिक क्लियर करने की बजाय ये साइड में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे सर। ऐसे में चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया और ये साहब कुछ एक्शन लेने के बजाय बाजू में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब तक ये साहब अपनी सिगरेट खत्म करते तब तक परेशानी बहुत बढ़ गई थी, और अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने सबके बाइक की चाबी ले ली। अब आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है सर। सर मेरे पास बाइक के सारे पेपर्स हैं सर, वो भी ओरिजिनल रोड के कानून के मुताबिक। वो देखिए सर, वो देखिए, उस मैडम के पास लाइसेंस तक नहीं है सर, 100 रुपये की रिश्वत देकर निकल गई। सर वॉशरूम गई है। वापस आएगी ना? इन्होंने तो मेरे पेपर्स भी चेक नहीं किए, यहाँ तक कि मेरी एक बात भी नहीं सुनी सर। और जब मैंने उन्हें कानून बताया तो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुझे कोर्ट में सबक सिखाऊंगा उन्होंने। उसके बाद मैंने बस पकड़ी सर, उसमें मेरा पर्स चोरी हो गया, और जब मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस मुझे ही पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई सर। तब वो चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया सर। फिर मुझे कौन कौन सा सेक्शन बताकर उस पर तुझे अंदर कर दूंगा कहकर धमकी दे रहे थे सर। जो मेरा पर्स चोरी हुआ उसमें 2500 रुपये और मेरा लाइसेंस भी था सर, और पुलिस वाले मुझसे 5000 रिश्वत मांग रहे थे। लेकिन एक कांस्टेबल बहुत भला आदमी था, आज की डेट में उन्हें सल्यूट करने का मन करता है सर। रिश्वत ना देना तो एक अच्छा काम है ना। वो देखिए सर, वो पिंक शर्ट में जो बैठा है मेरा फ्रेंड रामचंद्र है, उसी ने 5000 रुपये रिश्वत देकर मुझे बाहर निकाला। बहुत सही जा रहे हो, कंटिन्यू। इतना ही नहीं सर, बाहर आपका भी तो रिश्वत लेने के लिए एजेंट खड़ा है सर। आप फॉर्मेलिटी के लिए मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे तब हाँ जी कहने के लिए मुझसे कहा गया था सर। क्या कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊँ, सच में बाहर आपके एजेंट लोग खड़े हैं सर। बहुत
बहुत बहुत थैंक्स यार, अच्छी खासी मरम्मत हो गई। तेरी दोस्ती के खातिर मुझे आज ये दिन भी देखना पड़ा। ए आरिफ। हाँ साहब। तूने जो मंगवाया था आ गया। शुक्रिया साहब। ये लोग ट्रक्स ले रहे हैं। जानता हूँ। लॉकअप में ये सब गलत है। हम क्या बदल सकते हैं? मैं कहाँ जा रहा यार? 15 दिनों के बाद छूटकर बाहर जाने की एक उम्मीद है, तू उसे बुझाने की कोशिश मत कर। Let me see the light at the end of the tunnel, please. मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। अबे उसने ही तो लाके दिया इसे। वो देख, यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, वहाँ पर फोन पे बात करना मना है। उन्होंने फिर भी यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के रखा हुआ है। सबको पता ये गलत है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। हमें भी किसी से कुछ नहीं बोलना। तूने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं देखा। जो देखा है वो दोबारा फंसना है क्या तुझे? जबान बंद रख अपनी। देखा है देखा, रटा जा रहा है। ए अरविंद, एक वकील ने तुम्हारी जमानत कर दी है, चलो। मैं एडवोकेट राजा राव हूँ, मैंने तुम्हें कोर्ट में देखा था, तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। देखा, तुझे गाली देने वाला सिर्फ मैं नहीं हूँ। बहुत बहुत थैंक्स सर। सर, इसकी गलती की वजह से मैं भी यहाँ सड़ रहा हूँ सर। तू माफ करना यार सर, किसी भी तरह से हमें यहाँ से बाहर निकालिए ना प्लीज। आगे से रूल्स को फॉलो करना। हम फॉलो करें? चल निकल। ए, पहले जरा नीचे देखना, फिर स्टार्ट करना। It's gone. Why? That's why. मेरे प्यारे राजा, गलती की सजा। अभी पैदल चल। सर, आपकी कस्टडी में मेरी बाइक का इंजन गायब हो गया सर। चल निकल। You're answerable सर। किसको आंसर दूं? तुझे आंसर दूं? तू चोर से चोरी की बात पूछ रहा है? किसे चोर बुला रहा है? सर, तू मुझे मारेगा क्या? अरे ये क्या कर रहा है? मारेगा मुझे? पुलिस से ज्यादा नहीं कर रहा है? अरे हमने क्या किया? तू चोर कह रहा है? क्या हो रहा है? छोड़ हटिए हटिए, रुक जाइए। अरे इन्होंने क्या किया जो आप इन पर हाथ उठा रहे हैं? राव साहब, सही गलत का फैसला करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। जाकर अपना काम देखो। हम सब एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फिर भी मेरे खिलाफ बोल रहे हो। अरे मुझे नहीं, क्या हमेशा मुसीबत में फंस जाते हो? अब बहुत हो गया, चले जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है सर, मेरी बाइक का इंजन गायब है। फिर से शुरू हो गया, चल। देख रहे तो कितनी गाड़ियां सड़ रही हैं। कोई भी गाड़ी यहाँ सही सलामत नहीं है, सबका इंजन गायब है। इसलिए मिडिल क्लास वाले कानून के लफड़े में नहीं फंसते, वो इनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आजकल गाड़ी रखना गुनाह हो गया है। लोन तो आसानी से पास हो जाता है लेकिन उसको संभालना मुश्किल हो गया है। अगर वो चोरी हो जाए तो उसे भूल जाना ही अच्छा होता है। लेकिन यार हमें शुक्र मनाना चाहिए, हमारी बाइक का सिर्फ इंजन ही गया है, वरना इसका हैंडल भी नहीं दिखता। टायर का तो कुछ पूछो ही मत। तू ऐसा क्यों देख रहा है? तुम लोग अभी तक नहीं हो? सब जा रहे, चल चल चल, वरना ये टायर भी ले जाएगा। हाय। बाल बाल बच गई, वरना तुम भी सलाखों के पीछे होती। बच निकलने की तो आदत है मुझे। बढ़िया है, मामूली बात नहीं है ये। स्कूल में भी लगता है तुम टीचर्स को चूरन। अरे कहाँ जा रहा है? साइड चेंज कर रहा है। 100 रुपीस के लिए बस में गए, वॉलेट गया, कोर्ट में गए, पुलिस स्टेशन तक पहुँच गए, जेल गए, अब बाइक का इंजन गया। क्या हुआ? जॉब भी गया। तेरा? नहीं तेरा। मजा आया ना? हेलो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो मुझसे मिलने के लिए आई है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसे बोल जाने के लिए। ये पब्लिक प्लेस है राजा, कितने आते रहेंगे कितने जाते रहेंगे। तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सही रहेगा, मैं भी चलता हूँ बेबी। अरे, इतनी तकलीफ में तो क्यों घसीट रहा है? तो फिर क्या करें? मदद मांगते हैं ना बेबी। मांस स्मॉल हेल्प करोगी? माय प्लेजर। डर गए हो क्या? आप यहाँ भी आ गई? दरवाजा बंद मत कर, इसे मैंने बुलाया। इस अपार्टमेंट में 50% मेरा भी शेयर है। बेबी, मांस, तुम अंदर आओ। थैंक यू मांस। कॉफी पियोगी तुम? नहीं नहीं, ग्रीन टी। ठीक है। ए? 50% याद है ना? लगता है मुझे ये फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तू अकेला कहीं भी रह नहीं पाएगा राजा। ये लो बेबी, वेलकम। ये सारे कप्स तुमने जीते हैं? और तो क्या, मैं लाया हूँ। इस कप से लेकर वो कप तक ऑफिस से छुटकर आने के बाद घिस घिस कर मैंने ही चमकाया है। कभी कभी उसी कप से मैं चाय भी पी लेता हूँ। सिली फेलो। हाँ माँ। हाँ माँ। हाँ माँ। ठीक है माँ। शर्मा क्यों रहा है? माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है। हाँ? वो लड़की इस वक्त हमारे शहर में, वो मुझसे मिलना चाहती है।
माँ ने कहा है कि अगर मुझे पसंद आ गई तो शादी फिक्स। उस लड़की का नंबर माँ मुझे मैसेज कर रही है। ए, मैसेज आएगा तो आवाज आएगी ना। आई नो। बेबी। हाँ मांस। जरा पर्सनल बात करनी है, बालकनी में आओ। क्या हुआ? आई। हाँ? उसने इतनी शॉकिंग न्यूज़ दी है और तुम टेंशन लेने की वजह इतनी कूल लग रही हो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे टेंशन ना लेने की एक खास वजह मतलब? है। वो 5 मिनट किसी से बात करे तो 2 मिनट में सामने वाला भाग जाए। पॉइंट है। मैसेज आ गया, चलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू अमृता प्लीज? हाय, मेरी माँ ने आपसे बात करने के लिए कहा। आई वुड लाइक टू मीट यू। नो प्रॉब्लम, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। या आई विल मैसेज यू माई एड्रेस। श्योर, बाय। वहाँ पे नार में यहाँ पे आ रही है बेचारी, लगता है उसकी किस्मत ही फूट गई। प्लीज बॉस। यस बॉस। मेरे फ्लैट में मेरा फ्यूचर आ रहा है, उसके साथ कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरा फ्रेंड है ना, तो अपने फ्रेंड को लेके बाहर निकल। ओके जाओ। दिस इज टू मच। जल्दी निकलो, बात ही नहीं सुनती हो। चेक दिस आउट। हेलो, तेरी मीटिंग एक लड़की से। तू तो ऐसे तैयार है जैसे किसी इंटरव्यू में जा रहा है। बाहर निकल। मैं भी। या आई वांट माय प्राइवेसी, शी इज माय फियांसे। पहले उसे भी तो ये बात डिसाइड कर लेने दे। गेट आउट। हे मांस, तुमने भी बाहर निकाल दिया क्या? पॉसिबल ही नहीं है, इस अपार्टमेंट में मेरा भी 50% का शेयर है। हे उसने अपने प्राइवेसी के लिए मुझे बाहर निकाल दिया यार, मैं भी हेल्पलेस था। बहाने मत बनाओ। वैसे तुम यहाँ क्यों रुकी हो? उसे देखने के लिए। अपनी सौतन को। फनी यार। अरे पीछे की लड़की खड़ी है। बाप रे। क्या? ये पटाखा तो अंग्रेज लड़की से भी 2 कदम आगे लग रही है। आसपास मुझे धुआं दिख रहा है। फायर ब्रिगेड आ गया। हाँ मैडम जी, 3rd फ्लोर में जाके राइट मुड़ जाइएगा। इसे तो फिल्म की हीरोइन होना चाहिए। मुझे तो पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे दोस्त ने इसे शादी की तो कन्फर्म उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे गोली मार दूंगी।